हम हर दिन एक जिल्लत का जिंदगी गुजारते हैं एट द हैंड्स ऑफ द पंजाबीज। बलोच अभी तक रिएक्ट नहीं करे। एक बार फिर बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि भारत बलूचिस्तान के मामले में दखल दे और बलूच लोगों को भी उसी तरह आजादी दिलाए जैसा 1971 में बांग्लादेश को दिलाई थी। हम तो हमेशा इंडिया से अपील करते हैं, दुनिया से अपील करते हैं कि भाई प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपके ही रीजन के लोग। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने तोप उतार दी है, फाइटर हेलीकॉप्टर मोर्चे पर तैनात है, टैंक दौड़ाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज बलोच विद्रोहियों को कुचलने के लिए फुल फोर्स में लगी है। बेहद कम तो उसकी कोई लिमिट्स भी नहीं है, इट हैज नो ऑनर। पूरा दुनिया हथियार दे रहा है, जिसको हथियार ये खाना भेज रहे हैं सब। यूनिटी ये होता है, नेबरहुड ये होता है, नेबरिंग नेशंस ऐसे होते हैं, लेकिन सपोर्ट तो पूरा ओपनली दे रहे हैं। पाकिस्तान में बलोच विद्रोह विस्फोटक युद्ध बन गया है, आर पार का युद्ध, भयानक हमले हो रहे हैं, पाकिस्तानी फौज धुआं धुआं हो रही है, शहर जल रहे हैं, मकानों और रिहायशी बस्तियों में बारूद बरस रहा है। लेकिन जंग का औपचारिक ऐलान पाकिस्तान नहीं कर रहा, पाकिस्तानी सेना अपनी बेइज्जती को कबूल करने को तैयार नहीं, मगर सच है जो छिपाए नहीं छिप रहा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज ने तोप उतार दी है, फाइटर हेलीकॉप्टर मोर्चे पर तैनात है, टैंक दौड़ाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज बलोच विद्रोहियों को कुचलने के लिए फुल फोर्स में लगी है। एक बार फिर बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि भारत बलूचिस्तान के मामले में दखल दे और बलूच लोगों को भी उसी तरह आजादी दिलाए जैसा 1971 में बांग्लादेश को दिलाई थी। सुनिए क्या कह रहे हैं बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट। बलूचिस्तान का जो इश्यू है जी, एक इंसिडेंट के से डिफाइन नहीं होता है। वहां पर जो नस्ल कुशी और जंग जदल चल रहा है 70 साल से ऊपर, जो पाकिस्तानी जुल्म कर रहे हैं बलूचों के, आप अंदाजा करें। इंग्लिश में कहते हैं इंसल्ट ऑन इंजरी, इसको बोलते हैं। ऐसा हमारे रोडों का नाम जिनार रोड, अयूब स्टेडियम, जो हमारे कातिल हैं, जो हमारे सरप्लस ऑफ आवर रिसोर्सेज, ऑक्यूपाइज ऑफ आवर लैंड, उनके नामों पे हमारे रोडों के, एयरपोर्टों के नाम लगे हैं। पाकिस्तान लाइफ के मुअज्जिज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। बलोच अलहदगी पसंद ग्रोहों ने अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के जरिए मासूम पाकिस्तानियों को निशाना बनाया, लेकिन जब पाक फौज ने फैसलाकुन कार्रवाई का आगाज किया तो ये दहशतगर्द बौखला गए और भारत से मदद की अपीलें करने लगे। इन ग्रोहों को अपने मजमूम मकासद के हुसूल के लिए भारत की हमायत और फंडिंग मिली, मगर जब पाक फौज की ताकत और जवाबी कार्रवाई का सामना हुआ तो ये दहशतगर्द अपने बचाव की फरियादें भारत के सामने करने लगे। हैरानकुन बात यह है कि जो लोग मासूम शहरियों का खून बहाने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, वो अब अपनी जान बचाने के लिए भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। भारतीय मीडिया पर भी इस मामले को लेकर काफी शोर शराबा हो रहा है और भारत पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो इन अलहदगी पसंदों की मदद करके पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत कर रहा है। भारत की इन खुफिया चालों का पर्दा चाक हो चुका है और ये वाजे हो चुका है कि अलहदगी पसंदों को भारत की तरफ से हमायत हासिल रही है, मगर अब वही भारत अपने पाले हुए दहशतगर्दों की मदद के लिए खुद को बेबस महसूस कर रहा है। भारत जो हमेशा से पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों में मुदाखलत का ख्वाहां रहा है, अब खुद अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुका है और बलोच अलहदगी पसंदों को तरबियत और माली इमदाद फराहम करने का भारतीय मंसूबा अब उल्टा पड़ गया है और भारतीय हुकूमत इस नाकामी पर शदीद दबाव का शिकार है। भारतीय मीडिया में इस हवाले से एक नया बयानिया सामने आया है, जहां पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले तज़ियाकार और एंकर हजरात अब खुद इस हकीकत का एतराफ करने पर मजबूर हैं कि पाक फौज की कार्रवाइयों ने उन अलहदगी पसंदों को पसपाई पर मजबूर कर दिया है। ये भी काबिल जिक्र है कि बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का मकसद सिर्फ अलहदगी पसंदों को हवा देना नहीं था, बल्कि पाकिस्तान चाइना के इक्तसादी मंसूबों को नुकसान पहुंचाना था। लेकिन पाक फौज की बरवक्त कार्रवाइयों ने न सिर्फ उन दहशतगर्द ग्रोहों को कमजोर कर दिया बल्कि भारत के इस मंसूबे को भी नाकाम बना दिया। इस हवाले से भारतीय मीडिया का क्या रद्द अमल है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। बलोच विद्रोहियों की मार से मचे हाहाकार के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने अपना खजाना खाली करना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी से युद्ध करने के लिए शहबाज शरीफ सरकार $20 अरब अलग से खर्च करने जा रही है, मगर बलोच लिबरेशन आर्मी जनरल आसिम मुनीर से 4 कदम आगे चल रही है। पाकिस्तानी फौज को पीटने के बाद बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तान की ऐसी दुखती रंग दबा दी है जिससे इस्लामाबाद से बीजिंग तक हड़कंप मच गया है। बलोच आर्मी ने चीनी नागरिकों को बलूचिस्तान से फौरन दफा होने का आदेश दिया है। मतलब ये कि जैसे पाकिस्तान को बलोच विद्रोही सबक सिखा रहे हैं, ठीक वैसा ही झटका अब चीन को लगने जा रहा है। बलोच विद्रोहियों के हमले की धार कितनी तेज है इसे भी देखिए। महज 12 घंटे में बलोच आर्मी ने 12 बड़े हमले अंजाम दिए हैं। जिन इलाकों को दहलाया गया उनके नाम है पिशिन, क्वेटा, मस्तंग, कलार, सिदी, मूसाखेल, बोलन, बेला, पंजकुर, पसनी, तुर्बत,
सुनसान। चीन पाकिस्तान का आर्थिक गलियारा जिसका ढिंडोरा सीपीईसी के नाम से पीटा गया, इन्हीं इलाकों से होकर गुजरता है। एक बार फिर बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि भारत बलूचिस्तान के मामले में दखल दे और बलूच लोगों को भी उसी तरह आजादी दिलाए जैसा 1971 में बांग्लादेश को दिलाई थी। सुनिए क्या कह रहे हैं बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट। बलूचिस्तान का जो इश्यू है जी, एक इंसिडेंट के से डिफाइन नहीं होता है। वहां पर जो नस्ल कुशी और जंग जदल चल रहा है 70 साल से ऊपर, जो पाकिस्तानी जुल्म कर रहे हैं बलूचों पे, आप अंदाजा करें। इंग्लिश में कहते हैं इंसल्ट ऑन इंजरी, इसको बोलते हैं। ऐसा हमारे रोडों का नाम जिनार रोड, अयूब स्टेडियम, जो हमारे कातिल हैं, जो हमारे सरप्लस ऑफ रिसोर्सेज ऑक्यूपाइज ऑफ लैंड, उनके नामों पे हमारे रोडों के एयरपोर्टों के नाम लगे। ये ऐसा हो जैसे तेल अवीव एयरपोर्ट का नाम आप रख दो हिटलर एयरपोर्ट या एडोल्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तो बेइज्जती कर रहे हमारे, हम हर दिन एक जिल्लत का जिंदगी गुजारते हैं पंजाबी। बलोच अभी तक रिएक्ट नहीं करे। मैं एडवोकेट किसी नहीं कर रहा हूँ लड़ाई का, लेकिन हर कौम जो गैरतमंद कौम होते हैं दे स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। सूनर और लेटर उनको व्हाट्स देयर्स आपको अपने हकूक के लिए लड़ना पड़ता है, कोई प्लेट पे लाके नहीं देगा। और पंजाबी जैसा बेगैरत कौम तो उसकी कोई लिमिट्स भी नहीं है, इट हैज नो ऑनर। जो बांग्लादेश में उन्होंने क्या किया, वो तो लड़ते हैं औरतों बच्चों के साथ। मैडम हमने देखा कि काफी टाइम से बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, अभी वुमेन प्रोटेस्ट वहां चले, काफी यूनिटी कमेटी ने चलाया, तो ये जो इस तरह का जो बलूचिस्तान में जो सिचुएशन बनी है, जो हालात बने हैं, क्या आपको लगता है कि जस्टिस मिलेगा बलोच लोगों को? जी जस्टिस सुनर रादर देन लेटर मिले तो अच्छा है। हम तो पूरा कोशिश कर रहे हैं, आपने मुझे देखा है, हम साथ जिनेवा में बहुत वक्त गुजारा। हम मैं तो 20 साल से अपील कर रहे हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे कि आप इंटरवीन करो। ये यूएन जैसा गवर्नमेंट जो बनाया हुआ है टोटल ड्रामा, वो कभी कुछ तो आप करें। बलोच लड़ता है बोलता है ये दहशतगर्द है, बलोच रोता है बोलता है ये बुजदिल है, बलोच मांगता है बोलता है ये भिखारी है। बलोच किधर जाके क्या करे जी, तरीका कार को इंटरनेशनल मैकेनिज्म बता दे। हम बोलते हैं राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन हम चाहते हैं अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन के हिसाब से, हम कहते हैं कि हमारा हकूक मेरे हमको नो, कोई नहीं सुनता। 20 साल का जी मैं गवाह आपके सामने, ये जीवन ने अपनी बात की। तो अभी औरत आपके सारे शौक से बच्चे और औरतें रोडों पे जलील हो रहे हैं, उनके मर्द भाई शोर डिसअपीयर्ड है 10,000-10,000 की तादाद, कोई पूछने वाला हमारा नहीं। हम तो हमेशा इंडिया से अपील करते हैं, दुनिया से अपील करते हैं कि भाई प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपके ही रीजन के लोग। इधर गोरों को देखें उक्राइन में जो हो रहा है, पूरा दुनिया उधर आके उनके सपोर्ट में खड़ा है, पूरा दुनिया हथियार दे रहा है, जिसको हथियार ये खाना भेज रहे हैं, सब कुछ है। यूनिटी ये होता है, नेबरहुड ये होता है, नेबरिंग नेशन ऐसे होते हैं, राइट और रॉन्ग जंग के मैं डिटेल में नहीं जा रहा उक्राइन के, लेकिन सपोर्ट तो पूरा ओपनली दे रहे हैं, हमारे अपने नेबर डरे हुए हैं हमको, हमारा दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम आपके ही रीजन के लोग। एक बार फिर बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि भारत बलूचिस्तान के मामले में दखल दे।